कर दोस्तों, जब से एमसीडी के अंदर भाजपा है, तब से सिर्फ हम भाजपा का रोना सुन रहे हैं। छोटे बच्चों की तरह वो सिर्फ रो रहे हैं। उनके पास डॉक्टरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते। डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं। अस्पताल के अंदर मरीज जो है बिना इलाज के मर जाता है। सफाई कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं होता। सफाई कर्मचारी पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर देते हैं, पूरी दिल्ली को कूड़े का प्रदेश बना देते हैं। सारी जनता परेशान होती है, एमसीडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एमसीडी का चुनाव भाजपा ने लड़ा तो उन्हें मालूम था कि भाजपा को मालूम था कि एमसीडी का कितना बजट है। उनको मालूम था कि जो उनके यहाँ मुलाजिम हैं, जो उनके यहाँ कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह देनी पड़ती है। ये कोई नई बात नहीं है। इसको जानते बूझते उन्होंने चुनाव लड़ा और एमसीडी की जिम्मेदारी ली। हम भाजपा को ये कहना चाहते हैं और दो टूक कहना चाहते हैं कि रोना बंद करो, बच्चों की तरह रोना बंद किया जाए। अगर आपको तनख्वाह देने की अक्ल है, अगर आपके अंदर इतनी जिम्मेदारी है कि आप तनख्वाह दे सकें, तो आप एमसीडी चलाओ, और अगर आप नहीं चला सकते तो आप इस्तीफा दो, एमसीडी को खाली करो। हम इतने ही फंड में, इतने ही बजट में एमसीडी चला के दिखाएंगे और अच्छी तरह से चला के दिखाएंगे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, अक्सर वो ये बात जानते हैं कि पब्लिक के बीच में कभी भी कोई बात हो तो एमसीडी की परेशानियां लोगों की जुबान पे होती हैं। हम लोग भी विधायक के तौर पे कहीं जाते हैं तो जितनी परेशानियां जनता बताती है उसमें करीब 90 से 95% परेशानियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमसीडी की होती हैं। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अब आपको कोई भी मिले, लोग परेशान हैं, लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगती। आप उनसे कहिए कि जी एमसीडी हमें दो, हम झाड़ू लगाएंगे। हमारे यहाँ कूड़ा नहीं उठता, एमसीडी हमें दो, हम कूड़ा उठवाएंगे। हमारे यहाँ कॉलोनी की सड़कें 15-15 साल से नहीं बनी, एमसीडी आप हमें दीजिए, हम आपकी सड़कें बनवाएंगे। आपके पार्क बेहाल है, आप एमसीडी हमें दीजिए, पार्कों को अच्छा हम करके दिखाएंगे। तनख्वाह जो नहीं मिल रही एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को, एमसीडी हमें दीजिए, हम आपको तनख्वाह दिलवाएंगे। डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, एमसीडी आप हमें दीजिए, हम आपको तनख्वाह दिलवाएंगे। बिना टैक्स बढ़ाए, बिना भ्रष्टाचार के एमसीडी को इतने ही बजट के अंदर हम जो है चला के दिखाएंगे। ये बात हम सबसे कहना चाहते हैं। नालों की सफाई नहीं होती, नाले जब जब बरसात आती है पूरी दिल्ली डूब जाती है। एमसीडी आप हमें दीजिए, हम दिल्ली को पूरी बरसात के वक्त में भी बिल्कुल साफ सुथरा बिना जल भराव के आपको दिल्ली को करके दिखाएंगे। एक वर्ल्ड क्लास दिल्ली बना के दिखाएंगे। जिस तरह से शिक्षा का मॉडल पूरे देश में जाना जाता है, जिस तरह से स्वास्थ्य का मॉडल पूरे देश में जाना जाता है, ऐसे ही दिल्ली की एमसीडी का मॉडल पूरे देश में जाना जाएगा। धन्यवाद। कोई सवाल है तो बताइए जी। वो उनका सालों से यही रोना है। जैसे छोटा बच्चा नहीं रोता, मेरे को टॉफी दे दी, टॉफी दे दो, मेरे को तो लाल वाली चाहिए थी, लाल वाली दे दो, नहीं उसको तो हरी दी, अब मुझे हरी भी चाहिए। उनका रोना खत्म ही नहीं होता। और ये हाल आ गया कि कटोरा लेके, अब बोल रहे हैं कि कटोरा लेके बैठेंगे। तो कटोरा तो उन्होंने पूरी दिल्ली के हाथ में थमा रखा है। हम यही कह रहे, कटोरा लेके बेइज्जती मत कीजिए। दिल्ली की एमसीडी का नाम आखिरी आया है सफाई। सफाई के सर्वे के अंदर जो केंद्र सरकार ने सर्वे किया, इन्हीं की सरकार ने सर्वे किया, उसमें ये आखिरी है। ये बेइज्जती की है उन्होंने दिल्ली की, और अब ये कटोरा लेके
जो है दिल्ली वालों को देना चाह रहे हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को और दिल्ली की एमसीडी के तीनों मेयरों को, भाई अब माफ कर दो, दिल्ली वालों को माफ कर दो, छोड़ दो एमसीडी, तुमसे नहीं चल रही ना, तुम एमसीडी से त्याग पत्र दे दो, इस्तीफा दे दो, हमें दे दो एमसीडी, हम चला के दिखाएंगे, ठीक है, धन्यवाद। जो प्रोसीजर होगा वो करेगा, हमारी प्रक्रिया से कोई प्रोसीजर कोई ना बदलता है, जो प्रोसीजर होता है वो चलना चाहिए। हाँ तो लगाती रही उससे हमारी प्रक्रिया से